आप देख रहे हैं जेके न्यूज नेटवर्क और मैं रानी एक बार फिर से आप सबों के बीच हमारे खास सेगमेंट दादा दादी की कहानी में। जी हाँ दोस्तों, आपने हमारे पिछले कई सेगमेंट्स में देखे थे कि कैसे बच्चे हमें अलग अलग कहानियों के माध्यम से अलग अलग शिक्षा दे रहे थे, और आज हमारे बीच आ रही है प्रतीक्षा झा जो हमें सुनाने जा रही है एक प्यारी सी कहानी। तो फिर चलिए सुनते हैं इस नई कहानी को और देखते हैं कि प्रतीक्षा हमें क्या शिक्षा देती है इस कहानी से। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं जीके न्यूज नेटवर्क। मैं प्रतीक्षा झा आप लोग के सामने एक कहानी लेके आई हूँ, उसका नाम है प्यासा कौवा। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक समय की बात है, एक कौवा उड़ रहा था, उसे बहुत प्यास लगी। तो फिर वो ढूंढ रहा था पानी, तो फिर उसे एक बंगले के पास एक मटका मिला। उसने तो फिर वो पहुंचा, फिर उस पानी तक पहुंच नहीं पाया था। उसने बहुत कोशिश की कि पहुंच पाऊं, लेकिन उसने एक तरकीब सोची कि ताकि हम लोग पानी कैसे ऊपर ला सकते हैं। फिर उसने गिट्टी बहुत सारे जमा कर लिए और उस मटके में डाल दिए। फिर पानी ऊपर आते रहा, ऊपर आते रहा। फिर उसने पानी पी के अपनी प्यास बुझा ली। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी हमें हार नहीं माननी चाहिए। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं, और हाँ, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।